हेलो बच्चों, तो वीडियो लगातार देख रहे हो ना? देखना ही पड़ेगा बच्चों, कोर्स कंप्लीट भी करना है अपन को, है ना? ठीक है, तो आज अपन सिर्फ चार ही न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स को अपन डिस्कस करेंगे, ए वन बाय वन देख लेते हैं। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, अपने कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएंगे इनसे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले न्यूमेरिकल यहाँ से चालू होते हैं। तो इन द गिवन फिगर, फिगर में बना दूंगा, बनाया हुआ है नहीं। ठीक है, इन द गिवन फिगर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड ए हैज चार्जेस +2q -q एंड -u एट वर्टिसेस ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखिए, तो ये कुछ ऐसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितना सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, ए मीटर मान लीजिएगा। ठीक है, ए यूनिट की हो गई। सर इसका वर्टिस ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। ए पर कितना चार्ज बोल रहा है, तो ए पर बोल रहा है वो 2q, है ना? ए पर वो 2q बोल रहा है, तो मैं इस 2q को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, प्लस का q इस तरफ और प्लस का q इस तरफ है, तो इसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि आगे का सवाल मेरे को पता है। ठीक, फिर माइनस का q चार्ज यहाँ पर है और माइनस का q चार्ज यहाँ पर है, ऐसा बोल दिया उसने। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का आपको क्या कैलकुलेट करना है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब रिजल्टेंट पी। डाइपोल मोमेंट पी तो था, चलिए तो देखो डाइपोल होगा तो ही तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो डाइपोल कौन सा है, तुमने बोला एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज, देख रहा है? एक डाइपोल ये है, एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टू प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसी तो हमने बोला माइनस टू ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा। तो एक डाइपोल मोमेंट ऐसा जाएगा पी वन और एक डाइपोल मोमेंट ऐसा जाएगी पी टू। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो आपको पता है भाई ये थीटा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये 60 है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। दो वेक्टर 60 डिग्री पे, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तो कोई बड़ी बात है ही, क्या होगा? आर कैलकुलेट करते हैं ना, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा। 11 दिया जा रही है, वही वाला काम। तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट पी अगर बोलूंगा तो क्या होगा वो बच्चों, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा हो गया, और उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, इतना ही था। अब आपको P1 और P2 पता होना चाहिए। P1 और P2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस डायग्राम के साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ P1 क्या। तो P1 क्या होगा, कोई भी एक चार्ज उसका मैग्नीट्यूड लो और दोनों चार्ज के मिड का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। इस बार 2 ही नहीं है डिस्टेंस, कितना है, a है। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q into A। ठीक है, ऐसे ही अगर P2 भी आप कैलकुलेट करोगे तो P2 भी तो इसी से ही तो आ रहा है, चार्ज तो Q हो जाएगा और डिस्टेंस अभी भी A है, तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, तो हमने वही काम करना है। P1 is equal to P2 रख देते हैं, तो क्या होगा, P1 का स्क्वायर, P2 की जगह भी P1 का स्क्वायर होगा, और ये कितना होगा 2P1, P1 का स्क्वायर हो जाएगा P1 into P1 और cos 60 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर 2P1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2P1 का स्क्वायर पहले से है, cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो P1 का स्क्वायर ही रह गया, कितना हो जाएगा 2P1 का स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर हो जाएगा 3P1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पर रहेगा P1। ठीक है, चलिए P1 की वैल्यू कितनी है, वी नो दैट QA √3 Q into A, then quite simple, है ना? छोटा सा सवाल था। चलिए next question के ऊपर आए। okay, next question देखो। The vertices A and B of an equilateral triangle of side small a have, sorry, having same charges small q. अब देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, अगेन कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चलो ट्रायंगल तो पहले से अपने पास में है एबीसी, और उसकी साइड्स कितनी दे रखी हैं, ए की दे रखी हैं। फिर क्या बोल रहा है, उसके ए और बी पॉइंट के ऊपर क्या है, चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज क्यू, तो ये ऊपर वाला ए माना था क्या तुमने, ठीक। चलिए तो ये ऊपर वाला पॉइंट ए था, तो बोल रहा है कि ए पॉइंट के ऊपर चार्ज क्यू है और क्या बोल रहा है, बी पॉइंट के ऊपर भी सेम चार्ज है क्यू।
क्यू और क्यू यहाँ पर सेम चार्ज है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सिंपल सा टास्क है। इसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए दिया जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझो, ये ऐसी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और इस वाले के कारण, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ऐसा, इस तरह। इसको ई वन और इसको ई टू मान लो। चलो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कोस थीटा। और उसका क्या कर दोगे, अंडर रूट करोगे। चलिए तो वही काम करना है, बस ई वन और ई टू को अलग से कैलकुलेट कर लो। तो हमने बोला ई वन, देखो ई वन क्या आएगा, इवन 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 इसके कारण, ठीक है। तो हमने बोला इस चार्ज के कारण कितना होगा, के चार्ज था क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ई टू देखो, ई टू कितना होगा, सेम है उतना ही डिस्टेंस के ऊपर है, ये भी मैग्नीट्यूड में इतना का इतना है, के क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, डन हो गया। चलो काम करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने लिखा ई रिजल्टेंट होगा इवन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री तक नहीं है कुछ। फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, ई वन का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ई टू का स्क्वायर की जगह ई वन का स्क्वायर, दोनों सेम है। फिर टू ई वन इंटू ई वन, ई वन का स्क्वायर और कॉस 60 रखने यहाँ पे, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 तो होती है, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने डिस्कस किया था, टू से टू कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 3 even का square, तो ये क्या हो जाएगा under root 3 even, ठीक है, that is resultant electric field। अब even पता है हमें कितना, a q divided by a square, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है सवाल, हैं? बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं हो गया है ये। चलिए तो इतना ही था ये, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस वही था, बस एक बार आपको p पता होना चाहिए, एक बार आपको p पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला पढ़ना एक बार के लिए। क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स क्यू वन एंड क्यू टू। दो पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू को डिवाइड करना है, एक पार्ट क्यू वन होना चाहिए और दूसरा पार्ट क्यू टू होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ओके, and place at distance capital R, what would be the condition for maximum force of repulsion? देखो, आपको क्या करना है, चार्ज Q को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने बोला कि पहले एक चार्ज था Q, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो पहला वाला Q1 बना और दूसरा वाला Q2 बना, ठीक है। So Q should be equals to Q1 plus Q2, ऐसा ही होगा, चार्ज कंजर्वेशन में कहीं नहीं होगा, ठीक है। और उनको फिर कितना डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया गया है, कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर। तो क्यू वन और क्यू टू को फिर प्लेस किया स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, तो ये क्यू टू हो जाएगा और इन दोनों के मिड का डिस्टेंस स्मॉल आर, ऐसा प्लेस किया। व्हाट वुड बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों का नेचर सेम है इसलिए रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा, ठीक। तो ये रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम कब होगा वो कैलकुलेट करना है। बच्चों 11th की फिजिक्स हमें पता है, उसमें हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो के ऊपर इक्वेट करना होता है, ठीक है, यही है। अभी आगे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हम फोर्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एक किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में, और उसको किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स से ही पूरा मैथमेटिक्स पे जाएगा ये सवाल, ठीक। तो ध्यान रखो कि q1 plus q2 is equal to q है, तो इसका मतलब अगर मैं q2 निकालूं तो क्या होगा, q minus q1 होगा, नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने q1 निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली q2 भी निकल जाएगा, और अगर q2 निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली q1 भी निकल जाएगा, ठीक है। काम करते हैं, तो मैं लिखा फॉर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्जेस द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फोर्स, q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, should be zero। अब ये f भी तो पता होना चाहिए कि f है कितना, देखो भाई f कितना आएगा, तो साइड में देख लेते हैं, f is equal to क्या होगा, k q1 q2 divided by distance कितना था
आर स्क्वायर ओके फिर एफ ये क्यू वन तो ऐसा कैसा क्यू टू पता होना चाहिए क्यू टू कितना क्यू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय क्या बच्चों आर स्क्वायर चलो रखो सॉल्व करते हैं अब डिफरेंशिएशन आएगा तो क्वेश्चन होगा अदरवाइज तो चांस ही नहीं है तो k q1 q minus q1 divided by r square is equals to क्या zero ठीक है अब k और r square तो q के respect में constant है बाहर निकाल तो हमने k और r square को बाहर निकाला d divided by d q1 अंदर क्या रह रहा q1 multiplied q minus q1 ये तो है equals to क्या zero अब और करो ये r square को इससे multiply करो zero आएगा k को यहाँ पे divide में लेकर जाओ ठीक इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हमने लिखा d डिवाइडेड बाय d क्यूब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो जाएगा q1 * q और ये क्या होगा q1 * q1 q1 का स्क्वायर होगा नहीं होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 ये तो दोनों तरफ जाते ही 0 होता है चलिए क्या होगा अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हमने लिखा d डिवाइडेड बाय d क्यूब q1 * q माइनस d divided by d cube 1 और ये क्या होगा q1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 चलिए यहां पे q1 के रेस्पेक्ट में q कांस्टेंट है बाहर निकालो q अंदर क्या बचा d cube 1 divided by d cube 1 ऐसा ही है माइनस अभी देखो ये कैसा है d divided by dx और यहां पे आ रहा है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो याद होगा 2x करते थे अब x की जगह यहां पर क्या है q1 है तो ये यहां पे क्या लिख दूं मैं 2q1 अरे वही तो करते थे ना एक पावर को कम कर देते थे और पावर को आगे मल्टीप्लाई करते थे है ना तो पावर को आगे मल्टीप्लाई किया और एक पावर कम कर दी इसकी इक्वल्स टू कितना जीरो चलिए dq1 से dq1 कैंसिल क्या हो जाएगा q इज इक्वल्स टू इसको दूसरी तरफ लेके जाओ 2q1 हमें q1 चाहिए था तो q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q बाय अगर q1 q का हाफ है तो ऑटोमेटिकली q2 भी क्या होगा q का हाफ ही तो होगा हो गया तो ये अभी मान सकते हो बच्चों कि इन्हीं दो चार्जेस को अगर हम स्प्लिट करके आर डिस्टेंस पे रखते हैं तो उन चार्जेस के बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स रखने के लिए उन चार्ज का मतलब इनिशियल चार्ज के दो पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए इक्वली डिवाइड होने चाहिए तो मतलब अगर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उसको दो बराबर भाग में तोड़ना पड़ेगा आपको 4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम करना पड़ेगा ठीक है तो ये ध्यान रखो ऐसा काम होने वाला है उतार लीजिएगा उतारना पड़ेगा इस बार ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसको उतार लीजिएगा ओके ये अच्छा सवाल है इसके ऊपर एक एग्जांपल है और इवन एक क्वेश्चन और मिल जाएगा ठीक और बहुत अच्छा सवाल है जो अपन लास्ट में करने वाले हैं देखते हैं इस सवाल को क्या है टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स देखो टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स है Each of mass small m and charge small q. एक का mass small m है और charge small q है, ठीक है? As shown in figure, figure में बना दूँगा. तो क्या बोल रहा है? The distance between them is x. उनके बीच का distance कितना बोल रहा है वो? X बोल रहा है. And angle between the threads. Silky thread use कर रहा है वो? हाँ, silky thread use कर रहा है. ठीक है between the threads is 2 theta and that is 10 degree then calculate the distance x in equilibrium ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो हमेशा दिमाग में रखोगे तो हमने बोला ये सॉलिड सरफेस इस सॉलिड सरफेस से सिल्की थ्रेड और ये सिल्की थ्रेड से दो बॉल्स जो है वो लटकी हुई है इस तरीके से हैंग है जैसा वो बोल रहा है दोनों बॉल्स का मास कितना है स्मॉल है मास होने के कारण जो फोर्स लगेगा फिक्स है ये फोर्स लगना दैट इज mg ठीक है एंड सिल्क थ्रेड की लेंथ पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी हुई है l दिया हुआ है इंडिकेट दिया हुआ है ना तो ये l लेंथ का थ्रेड है ये बात ध्यान में रखिएगा फिर mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा इन दोनों थ्रेड्स के बीच का एंगल 2 थीटा है तो अगर मैं इसको ऐसा डिवाइड करूं तो ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा ठीक है और अगर ये थ्रेड्स लटकी हुई है इसके पास में चार्ज q है इसके पास में भी चार्ज q है तो इसका मतलब ये वाला जो बॉल है वो इस वाले को रिपेल कर रहा है और ये वाला बॉल इस वाले को रिपेल कर रहा है तो
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मास था बॉल के पास में, इसलिए नीचे की ओर फोर्स, फिर ये बॉल इसको रिपेल कर रहा था तो इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला बॉल इसको रिपेल कर रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इस तरफ भी जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्यू वन का मान भी क्यू है, क्यू टू का मान भी क्यू है, और इक्विलिब्रियम की स्टेट में दोनों के मिड का डिस्टेंस कितना है एक्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है? अगर x है तो फिर यहाँ तक का डिस्टेंस शायद x by 2 होगा। चलिए, ओके। अब इसके बाद में हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों ये समझिए कि अगर कोई बॉल इस तरीके से हैंग हो रही है तो फिर जिस थ्रेड से वो हैंग हो रही है वो थ्रेड टेंशन फील करेगा। टेंशन कहाँ की हो? जहाँ पर वो जॉइंट हो रहा है, ठीक है? तो मैंने बोला कि एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। अब इस टेंशन के दो कॉम्पोनेंट, वैसे तो अगर ये थीटा है तो देखो ऐसा समझो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये थीटा है तो फिर ये वाला भी जेड में जो अंदर बन रहा है ना दैट इज अगेन थीटा। चलो अब समझो अगर ये टी है ना तो फिर ये टी से कनेक्टेड कंपोनेंट टी कोस थीटा, ठीक है? और ये जो थीटा से कनेक्टेड नहीं है दैट विल बी टी साइन थीटा। और इक्विलिब्रियम में t cos theta इक्वलाइज करेगा mg को और t sin theta इक्वलाइज करेगा f को। इसका मतलब कांसेप्ट ये बोल रहा है कि t sin theta should be equals to f and t cos theta should be equals to mg, ये हमें कांसेप्ट बोल रहा है। चलिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें x को कैलकुलेट करना है, वो x कहां से आएगा? तो f को सॉल्व करोगे तो x मिलने वाला है, ठीक। इस इक्वेशन में इसका डिवाइड लगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या होगा? टी से टी कैंसिल, साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एमजी। अब ये कांसेप्ट बनाएंगे इसमें, व्हाट इज एफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 q1 q है q2 भी q है तो q into q क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा के Q1, Q2 divided by R square, दोनों चार्ज के मिड का डिस्टेंस x, तो x का स्क्वायर हो गया डन। यहाँ पर क्या आएगा? mg, that is tan हो गया डन। अब समझो मेरे को थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, कैसे निकालूंगा? तो हमने बोला कि since the value of 2 theta is 10 degree, so the theta is 5 degree only, वैल्यू बहुत कम है ये एंगल के, ठीक। उस केस में टैन थीटा को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो टैन थीटा की जगह आपने क्या लिख लेना है? थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। अभी थीटा निकालने कैसे? तो समझो इस वाले को अगर मैं यूज करूं तो मैं बोलूंगा एंगल दैट इज 2 थीटा इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, व्हाट इज आर्क? दैट इज x divided by radius, what is radius? That is L almost, ठीक है? So the theta will be x divided by 2L, done, value put करो, x divided by 2L, this equals to what? q square divided by 4 pi epsilon naught x square mg, हमें क्या चाहिए? x square चाहिए ना? इस x square को उठाओ यहाँ से, cross multiply करो x से, ठीक है? और इस 2L को चले आओ, तो दैट विल बी x cube, x into x square, that will be x cube, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, q square into 2l, divided by क्या? 4 pi epsilon naught mg, done हो गया? अगर x निकालना है, तो यहाँ पर power total कितनी ले जाओ? 1 by 3, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा? 2l q square divided by 4 pi epsilon naught mg for total की power, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1/3। बात समझ में आई? यहाँ पर आप चाहो तो 2 से इसको काट सकते हो, 2 epsilon naught, 2 pi epsilon naught कर सकते हो, ठीक है? Okay, तो ये शायद समझ में आ गया होगा। Okay, तो ये आज के 4 सवाल हो गए। कल तक अपन कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही था। मैं वापस से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है? जस्ट डू इट बच्चों, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।